अमरकंटक नर्मदा मंदिर पहुंच मुख मार्ग पर बनी दुकानों को हटाए जाने की कार्रवाई हुई प्रारंभ। शहडोल सांसद के हस्तक्षेप पर श्रावण त्यौहार मनाने अगस्त 21 तक दिया गया था समय सीमा। मां नर्मदा जी की उद्गम स्थली पवित्र नगरी अमरकंटक में अब नगर परिषद अधिकारी कर्मचारीगण तथा प्रशासनिक अमले के द्वारा नर्मदा मंदिर जाने वाले क्षेत्र, पार्किंग स्थल आदि जगहों पर संचालित दुकानों को हटाए जाने हेतु लंबे समय से सूचना और नोटिस के माध्यम से जानकारी दी जाती रही। पुष्पराजगढ़ SDM श्री सुधाकर सिंह बघेल ने कई माह पूर्व नर्मदा मंदिर मुख्य मार्ग में दुकान हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। दुकानदारों के विरोध और थोड़ा समय मांगे जाने पर हटाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। सभी चिन्हित स्थानों के दुकानदारों को कहा गया था कि नगर परिषद द्वारा जो दुकानें बनाई गई हैं उसमें जल्द से जल्द शिफ्ट होने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ कर दुकानों में शिफ्ट हुए। यह जानकारी नगर परिषद द्वारा दी जाती भी रही। नगर परिषद द्वारा साप्ताहिकी बाजार पास 108 दुकानें बनकर तैयार हैं, जिन्हें नगर परिषद आवंटित कर रही है। नियमानुसार धनराशि जमा कर अपने नाम बुकिंग करवाएं। जिन दुकानों को हटाने की सूचना या नोटिस दिया गया था उन्हें इन दुकानों को आवंटित कराने हेतु प्राथमिकता भी दी जा रही है तथा नई दुकानों में जल्द से जल्द शिफ्ट होने के लिए समय दिया गया। श्रावण मास पूर्व प्रशासन ने एक बार दुकानें हटाने का कार्य शुरू किया गया था, पर सभी दुकानदारों ने शहडोल सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह से अनुरोध कर 31 अगस्त तक का समय की मांग की गई थी। दुकानदारों ने भी प्रशासन को लिखित और मौखिक आश्वासन दिया कि हम समय सीमा समाप्त तक स्वतः अपनी अपनी दुकानें हटा देंगे। कुछ अन्य दुकानदारों को अन्यत्र जगह निर्धारण कर जगह देने की भी बात कही गई थी, लेकिन 108 नई दुकान पूर्ण के बाद तथा हाथ ठेला छोटे दुकानदार जैसे अन्य को जगह बताई जाएगी। इसी तारतम्य के तहत अब प्रशासन नर्मदा मंदिर मुख्य मार्ग, पार्किंग स्थल क्षेत्र व अन्य प्रमुख जगहों के दुकानदारों या कुछ अतिक्रमण कर ज़्यादा क्षेत्रों में दुकान बढ़ाकर व्यापार कर रहे स्थानों को चिन्हित कर शुक्रवार 13 सितंबर 2024 से हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 9 नर्मदा मंदिर मुख्य मार्ग के किनारे संचालित दुकानदारों जिन्होंने निश्चित समय सीमा से ज़्यादा जगह घेर रखे हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। तहसीलदार महोदय ने दुकानदारों को यह भी आश्वासन दिए हैं कि जिन दुकानदारों को सामान शिफ्ट करने में वाहन की ज़रूरत पड़े तो प्रशासन से मदद ले सकते हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदा लोक की मुहिम के मद्देनज़र यह प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे इस ओर प्रगति के साथ कार्य चलते रहेंगे। अमरकंटक नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा का कहना है कि पूर्व में चिन्हित दुकानदारों को सूचना दी जा चुकी थी कि आपको इस जगह से हटना होगा, उसी परिप्रेक्ष्य में अब हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।